आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट वाली पनीर चिली। सुपर टेस्टी पनीर चिली बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे पनीर, 2 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, सिंपल मैदा, हमारा पनीर, सारे क्यूब्स आप इसमें डाल दें, कॉर्न स्टार्च, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, पहले इस तरह से टॉस कर लीजिए। अब आप लीजिए चम्मच और बिल्कुल लाइट हैंडेड इसको कोट कर दीजिए। अब आप गैस पर चढ़ाएं कोई कढ़ाई। अब कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और मीडियम फ्लेम पर एक एक पीस आप उठाइए पनीर का और इस तरह से इसको शैलो फ्राई कर लीजिए। अभी पनीर चिपका नहीं है, प्रॉपर गोल्डन कलर चारों तरफ आ गया है इस प्रोसेस से। तो इस स्टेज पर जब सब तरफ से पनीर एकदम गोल्डन हो जाए आप सारे पीसेस निकाल लें। तरह से फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। अब आप फ्लेम को करें ऑन और कर दीजिए हाई फ्लेम। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च फटाफट से हल्का सा सौटे करेंगे, प्याज सौटे करेंगे, दोनों शिमला मिर्च, आधा छोटी चम्मच काली मिर्ची और आधा छोटी चम्मच नमक, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, ग्रीन सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप कर लेंगे मिक्स, सफेद सिरका, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, पानी और इसका एक घोल बना लीजिए। इसी स्टेज पर इसमें मैं डाल दूंगी ये लाल मिर्ची वाला घोल, 4 बड़े चम्मच पानी, पका लेंगे, कॉर्न स्टार्च, पानी, घोल बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा डालिए और मिक्स करते जाइए, पनीर घुमा दें बस, गैस को करेंगे ऑफ, स्प्रिंग अनियन। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा होटल रेस्टोरेंट वाला पनीर चिली।